भारत, अमेरिका समेत कई देशों में करीब 9.5 घंटे डाउन रहे फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम को ठीक कर लिया गया है। फेसबुक ने गुरुवार सुबह 5:36 बजे ट्वीट किया, कुछ लोगों को हमारे प्लेटफॉर्म और ऐप पर फोटो भेजने और वीडियो अपलोड करने में परेशानी हो रही थी। इस समस्या को ठीक कर लिया गया है। हमें इस असुविधा के लिए खेद है। बुधवार रात 8 बजे से तीनों प्लेटफॉर्म ठप पड़ गए थे। फोटो वीडियो भेजने में आई समस्या फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम डाउन होने से दुनिया भर के करीब 4.04 अरब यूजर्स को परेशानी हुई। हालांकि ट्विटर काम करता रहा, इसलिए ज्यादातर यूजर्स ने ट्विटर पर शिकायत लिखी कि न फोटो डाउनलोड हो रहे हैं और न वीडियो। फेसबुक ने रात 9:48 बजे पर ट्वीट किया, हमें इस समस्या की जानकारी है और इसे जल्द से जल्द दूर करने की कोशिश की जा रही है। बीते 5 महीनों में ऐसा तीसरी बार हुआ है जब तीनों सोशल प्लेटफॉर्म पर एक जैसी समस्या आई हो। इससे पहले मार्च और 19 अप्रैल को ऐसी समस्या आई थी। यूजर्स ने शिकायत की। एक यूजर सौरभ मल्होत्रा ने कहा, जब से सर जडेजा ने मांजरेकर को ट्वीट किया है तभी से एफबी, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पर लोडिंग बंद हो गई है। एक अन्य यूजर सांचल ने कहा, मैंने अपने वाईफाई को 25 बार ऑन ऑफ किया, फिर ट्विटर खोलने पर पता चला कि हर बार अपने वाईफाई को दोष देना ठीक नहीं है। 75 लाख शिकायतें। तकनीकी समस्याओं को डिटेक्ट करने वाली वेबसाइट डाउनर डिटेक्टर के को फाउंडर टॉम सेंडर्स ने बताया, 2012 में जब डाउनर डिटेक्टर लॉन्च हुई तब इस तरह की समस्या आई थी, लेकिन अभी की समस्या टाइम ड्यूरेशन के हिसाब से सबसे बड़ी है। हमारे सिस्टम को 75 लाख शिकायतों की रिपोर्ट्स अब तक मिल चुकी है।